खुशामदीद, वेलकम। मैं फहद बावजीर, E99 एक्सप्रेस टीवी से। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन का थर्ड फेज शुरू हो चुका है, जहां पर 18 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी के चलते कई सारे वैक्सीन सेंटर से ये शिकायत आ रही है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने ड्रोन के जरिए वैक्सीन को वैक्सीन सेंटर्स पर भेजने का इरादा किया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन का थर्ड फेज जोरों शोर से चल रहा है, जिसमें 18 साल और उसके ज़्यादा उम्र के लोगों को भी कोविड वैक्सीन दी जा रही है। इसी बीच कई सारे कोविड वैक्सीन सेंटर से कोविड वैक्सीन के शॉर्टेज की खबरें भी आ रही है। इस सिलसिले में कोविड वैक्सीन को कोविड सेंटर तक पहुँचाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और DGCA ने तेलंगाना हुकूमत ने इस काम के लिए कंडीशनली अप्रूवल दे दिया है। इस कंडीशन के तहत ड्रोन से वैक्सीन उन सेंटर तक पहुंचाए जाएंगे जो विजिबल रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपने एक स्टेटमेंट में यह चीज़ कही है कि तेलंगाना हुकूमत को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2121 के तहत ड्रोन के जरिए एक साल तक ये एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दी गई है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो सभी जगह वैक्सीन ड्रोन से ही भेजी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना हुकूमत मई के आखिर से इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करेगी।